टेंथ और दूसरे बच्चों के भी पेपर काफी करीब आ चुके हैं और बच्चे कहते हैं सर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, काफी ज्यादा डिस्ट्रेक्शन है जिसकी वजह से हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसका सर सोल्यूशन बता दें। तो मैंने कहा क्यों ना इसको वीडियो की शक्ल में बताया जाए ताकि जो दूसरे बच्चे भी इस डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं वो भी इस सोल्यूशन तक पहुंच सके। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रेक्शन है। सबसे पहले नंबर पे है फोन की डिस्ट्रेक्शन, कि आप फोन को छोड़ते नहीं। आजकल हर बच्चा कम से कम 4 से 5 घंटा फोन इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है खुद भी नहीं पता, सिर्फ टाइम जाया कर रहा है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। अगर आप यूजफुल कंटेंट देख रहे हैं जिसमें आपकी वैल्यू ऐड कर रहा है वो तो उसमें प्लस पॉइंट में जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं आप क्या चीज यूज कर रहे हो, किस मकसद के लिए यूज कर रहे हो, ये सारी डिस्ट्रेक्शन है। आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, टिकटॉक यूज कर रहे हो, ये सारी चीज, ये तो हो गए सोशल मीडिया की डिस्ट्रेक्शन। दूसरी डिस्ट्रेक्शन क्या है, लड़कियों की डिस्ट्रेक्शन। आप कभी किसी को मैसेज कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, आपका स्टडी पे फोकस ही नहीं है, ठीक है। और इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड माहौल में आप सारा टाइम तो दूसरी चीजों को दे रहे हो, कभी फोन को दे रहे हो, कभी किसी से बात कर रहे हो, कभी कोई काम कर रहे हो, कभी खेल रहे हो, तो पढ़ोगे कब? अब आपके पास टाइम बहुत ही कम रह गया है और ये अब क्रूशियल टाइम, इसमें अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, अगर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि टाइम हर आदमी के पास होता है, उसका यूज कुछ बच्चे पॉजिटिव में करते हैं, कुछ नेगेटिव में यूज करते हैं। जो पॉजिटिव में यूज करते हैं लॉन्ग रन में वो थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा उन लोगों से जो इस टाइम को नेगेटिव में यूज करते हैं उनसे आगे पहुंच जाते हैं। अब आपने डिसाइड करना कि आपने इस टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं। अब कुछ लोग होंगे इस टाइम में मूवीज वगैरह देख रहे होंगे, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग पढ़ रहे होंगे। डिफरेंस क्या होगा, जो बच्चे स्टडी में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनके ओवरऑल बोर्ड में नंबर अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से आगे से आगे जाते जाएंगे। इसका हल क्या है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रेक्शन है, इसका हल क्या है? इसका हल है बी फोकस्ड। जितना आप फोकस और पूरे ध्यान के साथ एक जगह पे अपना पूरा माइंड लगाओगे तब भी आपके सारे काम होंगे। अगर आपको पता ही नहीं है आपने क्या काम करना है, आपका फोकस ही नहीं है स्टडी की तरफ, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। पूरी दुनिया के अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, इनको सेपरेट अलहदा रूम्स में बिठाया गया और इन्हें एक पेज दिया गया और इन्हें कहा गया कि इस पे आप सिर्फ एक वर्ड लिखें, जो आपने जिंदगी में जितनी आपने कामयाबी हासिल की है वो सिर्फ एक वर्ड में है कि आपने किस चीज पे काम किया है कि आपने इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल की। तो दोनों ने अपने आंसर लिखे, जब दोनों के आंसर चेक किए गए तो सरप्राइजिंगली दोनों का आंसर सेम था, उस पर लिखा हुआ था फोकस। यानी कि अगर जो बिल गेट्स है अगर वो फोकस तरीके से काम ना करता तो मे बी माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी ना बन सकती। और वॉरेन बफेट भी कहता है कि अगर मैं फोकस के साथ इन्वेस्टिंग ना करता तो मे बी मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ना बन पाता। तो इन दोनों एग्जांपल से आपने सीख लिया होगा कि फोकस कितना जरूरी है। और जाते जाते आखिर में सिर्फ एक चीज और बता देता हूँ, जब आपके पास फर्ज करें पेज है, ठीक है, और सूरज की रोशनी पेज पे पड़ रही है, अगर आप पूरा दिन भी सूरज की रोशनी पेज पे पड़ती रहे पेज वैसे का वैसा ही रहेगा, पेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम कंडीशन चेंज करते हैं, हम सूरज की रोशनी के दरमियान एक कन्वेक्स लेंस लेके आते हैं और इधर पेज है, जब सूरज की रोशनी कन्वेक्स लेंस से टकराएगी तो कन्वर्ज होके पेज पे चले जाएगी और एक पॉइंट पे सारी कन्वर्ज हो जाएगी, यानी कि रोशनी इकट्ठी हो जाएगी और कुछ देर में वो पेज वहां से जलना शुरू हो जाएगा, उस पेज को आग लग जाए। हालांकि पहले भी वही चीज थी, लेकिन एक चीज चेंज की, दरमियान में हम कन्वेक्स लेंस ले हैं। कन्वेक्स लेंस ने सारी सूरज की रोशनी को एक जगह पे फोकस कर, आप तब भी कामयाब होते हो जब आप सारी चीजों को एक जगह पे फोकस करते हो, क्योंकि हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता वो सारे काम कर सके। सिर्फ एक काम करो लेकिन फोकस तरीके से जब आप करोगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर आप स्टडी भी पूरे फोकस तरीके से करो तो टाइम आपके पास बहुत कम रह गया, जितना अपना फोकस तरीके से आप काम कर सकते हो उस तरीके से करो, और कामयाबी सिर्फ फोकस तरीके से काम करने में ही है। अगर आप फोकस तरीके से काम नहीं करोगे तो जो रियल सक्सेस होती है वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इसे सीखा होगा, इस वीडियो ने कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।